दोनों को लालच है कि हमने पहले नंबर पे आना है, यानी कि पूल टेबल टॉप रहना है, क्योंकि उसके बाद ये मैच जीत गया तो अगला मैच तो इंडिया का छोटा ही है नैदरलैंड के साथ। तो एक बहुत ही मजेदार टाकरा, एक बहुत बड़ी टीमों का टाकरा देखने को मिल रहा है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब शुरू होगा। सर देखिए फाइनल होना है, उस पर खर्चा होकर भी इंडिया को ट्रॉफी देनी, मेरे मैं कहता सेमीफाइनल से पहले ही चकवा दो। बहरहाल कल इंडिया जीत रही है अफ्रीका से। थैंक यू यार। कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? यार ज्यादा टफ देखे नो डाउट इंडिया की है, लेकिन वो देखे ना दूसरी तरफ अगर डी कॉक और उसके साथ ऊपर से एक बैट्समैन का मुझे नाम नहीं आ रहा वो खड़ा हो गया और नीचे से आके क्लैसन ने स्कोर मार दिया तो क्या बनेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही चलेगा रोहित शर्मा या विराट कोहली। उनका कौन नहीं चलता भाई, उनका शुभमन नहीं मान, उनका राहुल नहीं मान, किस किस को रोकोगे? और वो 200 स्कोर का अगर वो सभी नहीं चलते, वो 100 स्कोर भी करें ना तो अगली टीम को 50 पे आउट कर देंगे। कि शायद पाकिस्तान जो है मैच ना जीत सके क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान ने चेज कर लिया, तो कल जब मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा ग्राउंड में जाके भाई क्या होने वाला है। यार इस वर्ल्ड कप में तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले कभी भी नहीं देखने को मिला, बड़ी बड़ी टीमें नीचे आ रही हैं, छोटी छोटी टीमें ऊपर जा रही हैं, और विराट कोहली की बॉलिंग देखने को मिल रही है, अजीब अजीब सीन हो रहे हैं। हो जाते मीन्स कि इंडिया की इतनी पावरफुल बॉलिंग है तो इंडिया को एडवांटेज है। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो भाई इंडिया के पास मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, तो समझ नहीं आ रही भाई कल क्या होने जा रहा है। उनकी जैसे उन्होंने श्रीलंका की माँ बहन की है, ये तो माँ बहन करने वाला ही सीन है कि पहले 50 पे उठकर 55 पे, जहाँ पे साउथ अफ्रीका अगर पहले स्कोर मारेगी तो इंडिया के पास बैट्समैन बहुत बड़े, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, शुभमन गिल है, केआर राहुल है, श्रेयस अय्यर है, तो बंदा किस किस का नाम ले, जिसकी पहली बारी आएगी 350-400 स्कोर हो जाएगा। बहुत बड़ा मैच देखने को मिलेगा यकीन करें, जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बड़ा देखने को मिला है ना, अफ्रीका और इंडिया का मैच हमें बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का यार, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। यार कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? सबसे पहले तो मजा देखने को मिलेगा, दो बड़ी टीमें जब टकराएंगी, ठीक है। अब देखिए दोनों इस मैच को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, उसकी वजह ये है कि दोनों को लालच है कि हमने पहले नंबर पे आना है, यानी कि पूल टेबल टॉप रहना है, क्योंकि उसके बाद ये मैच जीत गया तो अगला मैच तो इंडिया का छोटा ही है नैदरलैंड के साथ। तो एक बहुत ही मजेदार टाकरा, एक बहुत बड़ी टीमों का टाकरा देखने को मिल रहा है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब शुरू होगा। अच्छा अगर ओवरऑल बात की जाए दोनों टीमों का, अगर कंपैरिजन करते हैं तो खतरनाक बैट्समैन, खतरनाक बॉलर दोनों टीमों के पास, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन फिर भी अगर आप को आपके जेन के मुताबिक किसको ज्यादा एज मिल सकता है बॉलिंग वाली साइड पे या बैटिंग वाली साइड? इंडिया को। उसकी वजह वाला क्या है, अफ्रीका के कुछ प्लेयर हैं जो आईपीएल नहीं खेलते, ठीक है, आपको पता है इंडिया का होम ग्राउंड है, उस पर होम ग्राउंड का एज तो है ही है, लेकिन इंडियन प्लेयर जिस तरह से फॉर्म में, अफ्रीकन प्लेयर जिस तरह से फॉर्म में, डीको हो गया, डोसन हो गया, माकरम हो गया, तो वहाँ पर ना एक दो चीज़ें जो है ना उनकी कह लें कि कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं, जैसे उनका स्पिनर और ऑलराउंडर थोड़ा सा ढीला है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का वो भी तगड़ा है, तो ये सिर्फ है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में और अफ्रीका के ज़रा 6 से 7 हैं, तो ये डिफरेंस है कि यार इंडिया ज़्यादा आगे है। दोनों टीमों को बैट फर्स्ट का कोई मतलब जो भी फायदा होगा, बड़ा स्कोर करेगा, जो भी करेगा बड़ा स्कोर करेगा, और चेस करने पे जो भी आएगा वो चेजिंग पे भी जाएगा, और ये नहीं होगा कि वन साइडेड मैच होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना, कल बिल्कुल नेक टू नेक मैच होना है, बहुत मजेदार मैच होने वाला है। क्या लगता है किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? यार जीतता हुआ मैं अब इस टाइम प्रिडिक्शन तो नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीत जाए, उसकी वजह ये है कि वो वेल डिजर्व है, डिजर्व तो साउथ अफ्रीका भी करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका से अच्छी क्रिकेट इस टाइम इंडिया खेल रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा कल यार पहले तो क्या पूछने लगा मैं, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या देखने को मिलेगा? यार बहुत बड़ा मैच देखने को मिलेगा, जिसकी पहली बारी आएगी 350-400 स्कोर हो जाएगा, बहुत बड़ा मैच देखने को मिलेगा यकीन करें, जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बड़ा देखने को मिला है ना, तो अफ्रीका और इंडिया का मैच हमें बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। यार लेकिन जो हाइप अफ्रीका और इसका इंडिया का है, मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया बैठी होगी स्क्रीन के सामने कि यार इतनी दोनों बड़ी टफ टीमें अब आमने सामने होने जा रही हैं, क्या लगता है कि अगर वो तो डेफिनेटली सी बात है जिसको पहली बारी मिलेगी उसने 450-450 स्कोर मारना है, उसके बाद टीम ऐसी भी है जो चेज भी करने वाली है यार, इंडिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, तो क्या होने जा रहा है समझ से बाहर? भाई कुछ समझ ही नहीं आ रही, बंदा बात करे तो क्या करे, देखे ना जहाँ पे साउथ अफ्रीका अगर पहले स्कोर मारेगी तो इंडिया के पास बैट्समैन बहुत बड़े, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, केआर राहुल है, श्रेयस अय्यर है, बंदा किस किस का नाम ले, और अगर इंडिया की पहली बारी आती तो साउथ अफ्रीका के पास डी कॉक है, क्लैसन है,
और कितने कितने बड़े प्लेयर हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो भाई इंडिया के पास मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, तो समझ नहीं आ रही भाई कल क्या होने जा रहा है। यार इस वर्ल्ड कप में तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले कभी भी नहीं देखने को मिला। बड़ी बड़ी टीमें नीचे आ रही हैं, छोटी छोटी टीमें ऊपर जा रही हैं, और विराट कोहली की बॉलिंग देखने को मिल रही है, अजीब अजीब सीन हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है फिर भी ओवरऑल अगर बात की जाए दोनों टीमों की, तो कौन सी ऐसी जगह जहां पे एक टीम को दूसरी से थोड़ा सा एज मिल सकता है? यार ये तो ग्राउंड में पता चलेगा, क्योंकि जितने मैचेस हो रहे हैं ना जो हम समझते हैं वैसे कुछ हो नहीं रहा। देखें पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 401 स्कोर दिया और पाकिस्तान ने चेस कर लिया, वो बारिश होगी फिर भी भाई आपने 25 ओवर में 200 स्कोर दे मारा, तो कुछ भी जो भी है ना जो हम सोच रहे हैं उससे बढ़कर हो रहा है। वर्ल्ड कप में सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं जो हम सोचते हैं उसकी उल्टी हो रही हैं, क्योंकि आज भी हम यही सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान जो है मैच ना जीत सके, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान ने चेज कर लिया। तो कल जब मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा ग्राउंड में जाके भाई क्या होने वाला है। चलिए बैटिंग लाइन की अगर बात हम करते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं हम थोड़ा सा, कि बैटिंग लाइन दोनों तरफ बहुत ज्यादा टफ है, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों टीमों में से आपको कौन सी ज्यादा टफ बैटिंग लग रही है? यार ज्यादा टफ देखें नो डाउट इंडिया की है, लेकिन वो देखें ना दूसरी तरफ अगर डिकॉक और उसके साथ ऊपर से एक बैट्समैन का मुझे नाम लेने वो खड़ा हो गया और नीचे से आके क्लैसन ने स्कोर मार दिया, तो क्या बनेगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि वर्ल्ड कप में इस तरह हो रहा है कि एक आधा प्लेयर भी अगर स्कोर करता है तो टीम उस तरफ हो जाए। देखे ना फखर जमान अकेले ने कितना स्कोर मार दिया, डिकॉक ने उस दिन 174 किया हुआ है, तो ये तो भाई दोनों टीमों में से कोई एक प्लेयर भी चल गया तो वो टीम जो है 350 स्कोर प्लस कर जाएगी, और कल देखने का मजा आएगा, जीते कोई भी मैच देखने का मजा आएगा, क्योंकि फर्क किसी को नहीं पड़ना कोई हारेगा जीते, दोनों टीमों ऑलरेडी जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, कल संभल लें वैसी मैच है, जो मर्जी जीते फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। चले ठीक है, बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों तरफ अच्छी खासी बैटिंग लाइन है, लेकिन अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो आपको लगता नहीं कि इंडिया ज्यादा बेनिफिट में जा रही है? नो डाउट इंडिया की बॉलिंग जो है वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया की बॉलिंग जो है साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसे कि कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का यार, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को? यार बहुत बड़ा, जेन्युइन बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि दोनों टीमों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एक टीम है जो हाईएस्ट रन मार चुकी है और दूसरी टीम है जो एक भी मैच नहीं आ रही, तो ये टफ मुकाबला है बराबर का। हाँ इंडियन होम ग्राउंड एडवांटेज है, पिच के और उनकी जैसे उन्होंने श्रीलंका की माँ बहन की है, ये तो माँ बहन करने वाला ही सीन है कि पहले 50 पे उड़ के 55 पे, तो इंडिया का खतरा, इंडिया की बॉलिंग तगड़ी है अफ्रीका, क्योंकि देखिए अफ्रीका को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग मिली थी हमारे फेस में, मींस के हमने उनको 270 पे जब टारगेट दिया था उनको बड़ा तंग किया था, वो इंडिया की बॉलिंग होती 270 वो कभी नहीं कर सकते थे, हो सकता है वो 200 पे ऑल आउट हो जाते, मींस के इंडिया की इतनी पावरफुल बॉलिंग है तो इंडिया को एडवांटेज है, उसका कोई फायदा होगा। अगर इंडिया पहले बाज लेती ना तो जैसे हमारे देखे कल आज हमारे साथ जैसे न्यूजीलैंड ने किया था वो तो थैंक गॉड फखर चले 400 स्कोर मारा, मतलब श्रीलंका और इंडिया तो इन्फिनिटी हो जाएगी, वो तो 450 मारेगी, मींस के कल अफ्रीका का रिकॉर्ड अफ्रीका के खिलाफ टूटेगा अगर इंडिया की पहली हार। कौन चलेगा, रोहित शर्मा या विराट कोहली? उनको कौन नहीं चलता भाई, उनका शुभमन नहीं मान, उनका राहुल नहीं मान, किस किस को रोकोगे? और वो 200 स्कोर का अगर वो सभी नहीं चलते, वो 100 स्कोर भी करें ना तो अगली टीम को 50 पे ऑल आउट कर देंगे।